आज हम लोग देखेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियां, जिसमें पहला प्रश्न आता है उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा जब वस्तु अनंत पर स्थित है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखेंगे ये कौन सा लेंस है, चित्र बनाएंगे, ये उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया और ये जो है प्रकाश केंद्र सी और ये है एफ वन, ये टू एफ, ये है एफ टू। तो शर्त क्या है, आपने हमसे कभी लिखी दी है, शर्त ये है कि उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा जब वस्तु कहां पर स्थित हो, अनंत पर स्थित, अनंत पर स्थित हो। तो जो वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो आप जानते हैं कि अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें परस्पर कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। तो जो एक किरण आती है वो पहली किरण कहां से, वक्रता केंद्र से होकर के जाती है और एक दूसरी फोकस से होकर के जाती है। तो जो फोकस से हो जाती है वो क्या होती है, देखें ये और दूसरी किरण इस प्रकाश केंद्र से हो जाए, जो किरण इस फोकस से होकर के जा रही है लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। कहां पर निकल जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। और ये दोनों किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उसी बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब ए वन बी वन बनता है। वस्तु कहां पर है, वस्तु अनंत पर है। अनंत पर है तो ऐसी दशा में वस्तु ओ का प्रतिबिंब द्वितीय फोकस तल पर बनता है। यह प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, उल्टा है, आकार में वस्तु से छोटा है। तो आपका इसका उत्तर होगा कि चित्र से स्पष्ट है कि से अस्पष्ट है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब
फोकस तल पर बनता है, फोकस तल पर बनता है। यह वास्तविक उल्टा आकार में वस्तु से छोटा, आकार में वस्तु से छोटा बनता है। क्लियर? ये जो है इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, चित्र बना करके इसको लिख रहे। अगर यहाँ पर देख रहा है तो अनंत पर स्थित वस्तु से चलने वाली किरण, मान लीजिए इसको हम ले लेते हैं एक वस्तु यहाँ पर ये भी चलने वाली किरण एसी प्रकाश केंद्र से होकर जाती है तथा पीओ इसके फोकस से ऊपर जाती है और परावर्तन के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है और ये दोनों किरण एक दूसरे को बिंदु ए वन पर काटती है जहां पर वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए वन बी वन फोकस तल पर बनता है। क्लियर? अब इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न होगा कि उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा जब वस्तु दूसरा प्रश्न है कि उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा जब वस्तु अनंत व 2f के बीच में स्थित हो। जब वस्तु अनंत हुआ 2f यानी दूरी फोकस दूरी के बीच स्थित हो। ये अब आप देखिए ये कैसा लेंस है, ये एक उत्तल लेंस है। आपने ये मुख्य अक्ष खींच दिया, इसका प्रकाश एक केंद्र सी और सी से होकर के एक अभिलंब खींच देते। यहां देख लेते हैं ये एफ वन, ये टू एफ वन और ये एफ टू और ये टू एफ। क्लियर? अब प्रश्न है कि वस्तु कहां पर स्थित है अनंत और टू एफ वन के बीच, दूरी फोकस दूरी के बीच स्थित है। अब देखिए अनंत तो इस साइड में, यानी कि अनंत इधर है, अनंत और टू एफ ये है, इसी के बीच में वस्तु मान लीजिए ए बी, ए बी वस्तु स्थित है और ये वस्तु ए बी जो स्थित है क्या होगा, ए बी के बिंदु ए से चलने वाली प्रकाश की किरण ए जी मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तथा लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस या दूसरी होकर जी एच दिशा में चली जाती है। दूसरी किरण एपी
एपी प्रकाशित केंद्र से होकर के जाती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु A1 पर काटती है, जहां पर वस्तु एबी का प्रतिबिंब A1 B1 बनता है। यह प्रतिबिंब कैसा है? यह प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है, आकार में वस्तु से छोटा है, आकार में वस्तु से छोटा है। और कहां पर बनता है? 2F2 व F2 के बीच में बनता है, 2F2 व F2 के बीच में बनता है। तो यहां पर इसका उत्तर क्या लिख लेंगे? आंसर इसका लिखेंगे, मान लिया AB एक वस्तु है जो अनंत यवम 2F1 के बीच स्थित है। क्लियर? वस्तु AB के बिंदु A से चलने वाली किरण AG मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तथा लेंस से अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर द्वितीय फोकस F2 से होकर जाती है। दूसरी किरण AP प्रकाशित केंद्र से होकर जाती है, ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु इस पर A1 पर काटती, बिंदु A1 पर काटती हाँ, जहां पर वस्तु AB का प्रतिबिंब A1 B1 बनता है।
यह कैसा है? यह वास्तविक उल्टा आकार में वस्तु से छोटा यमम एफ टू व टू एफ टू के बीच बनता है। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। इसको अंडरलाइन कर देंगे कि कलेवर वास्तव कैसा है, वास्तविक है, उल्टा है, आकार में वस्तु से छोटा है और कहाँ बनता है, एक्टोर के बीच बनता है। क्लियर? तो इस प्रकार से ऐसी स्थिति का उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे।